हजारों करोड़ का माल जाता है यहां से विदेशों में, सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। बॉलीग्राड स्टूडियोज में फोन की घंटी बजती है और सामने से आवाज आती है, अन्ना यहाँ से जवाब जाता है किसका आदमी है। ठीक है, मेरे आने तक उसे जिंदा रखना। ये लाइन सुनने के बाद आपके भी जहन में जरूर किसी न किसी गैंगस्टर का ख्याल आया होगा, या मैं कहूँ एक असली गैंगस्टर का ख्याल। एक दौर था जब फिल्में गैंगस्टर्स के इर्द गिर्द घूमा करती थी, उसमें आपको ड्रामा और सस्पेंस तो मिलता ही था, लेकिन साथ ही साथ मिलता था ओरिजिनल एक्शन जिसे आप महसूस कर सके। हॉलीवुड में गैंगस्टर फिल्मों का ट्रेंड काफी पुराना है, लेकिन भारत में ऐसी फिल्मों का ट्रेंड करीबन साल 1950 से शुरू हुआ था। उसके पहले फिल्मों में गैंगस्टर होता था, लेकिन फिल्म गैंगस्टर की नहीं होती थी। 1989 में रिलीज हुई फिल्म परिंदा और 1998 में रिलीज हुई फिल्म सत्या को कल्ट क्लासिक गैंगस्टर फिल्म कहा जा सकता है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इन दो फिल्मों के बाद दर्शकों को कुछ ऐसा क्लासिक नहीं देखने को मिला है। हालांकि अनुराग कश्यप ने फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर से काबिले तारीफ कोशिश की, लेकिन शायद एक गैंगस्टर फिल्म बनाने से थोड़ा सा चूक गए। वहीं वेब सीरीज में सैफरिक गेम्स और मिर्जापुर ने दर्शकों को वही खून जगाया है, जिसका नशा चढ़ जाए तो उतरना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। लेकिन ये सुपरहिट वेब सीरीज एक बड़ा सवाल अपने साथ में लाती है कि क्या बड़े पर्दे पर गैंगस्टर्स की मौत हो चुकी है। फिर रिलीज हुई साउथ की बेहतरीन फिल्में जैसे KGF, KGF 2, पुष्पा, जिसने हमें रियल मॉन्स्टर्स से मिलवाया, जिन्होंने एक्शन ही नहीं बल्कि डायलॉग बाजी और मारपीट में एकदम 70s की फिल्मों के गैंगस्टर्स की याद दिला दी। लेकिन गैंगस्टर्स फिल्मों की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई, तो बता दें कि बात साल 1947 के आसपास की है, जब पूरे देश में ही धीरे धीरे लोगों ने मुंबई की ओर रुख करना शुरू कर दिया था। छोटे शहर में बढ़ती बेरोजगार आबादी ने क्राइम की शुरुआत की। शुरुआत में ये क्राइम छोटे रूप में थे, जैसे छोटी मोटी चोरी करना, पॉकेट मारना या फिर डकैती डालना। अब देखिए ना, 1940s और 50s में बनी फिल्में भी इसी बात की गवाही देती है। उन फिल्मों की लिस्ट में किस्मत, जो कि 1943 में आई थी, संग्राम 1950, पॉकेट मार 1956, हाउस नंबर 44 1955, अवारा 1951, श्री 420 1955 और बाजी 1951 शामिल है। इन सभी फिल्मों में करीबन एक ही चीज दिखाई गई थी, लेकिन वक्त करवट लेता है, शुरू होता है अवैध शराब का धंधा, वो भी आंटियों द्वारा। इस सीन को सैक्रेड गेम्स की कांताबाई की स्टोरी से भी समझा जा सकता है, जब अलग अलग अपने इलाके और राज्य के हिसाब से छोटे छोटे गैंग्स बनने लगे, जैसे अलाहाबादी गैंग, रामपुरी गैंग या फिर कनपुरिया गैंग। साल 1920 से 30 के दशक में ही हॉलीवुड ने गैंगस्टर फिल्मों पर काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उस वक्त की उनकी फिल्मों में क्राइम कैसे आयोजित होता है, इस बात की झलक भी दिखने लगी थी। एक ही तरह का सूट, महंगी गाड़ियाँ और बंदूकें, यह हॉलीवुड गैंगस्टर फिल्मों का पैटर्न बन गया था। लेकिन बॉलीवुड ने परिंदा, सत्या और काला जैसी फिल्मों में गैंगस्टर्स को अपने ही अंदाज में दिखाया, और अगर बात साउथ की करें तो उन्हें हमेशा से ही हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जहाँ एक्शन टॉप प्रायोरिटी होता है और विलेन को भी एज हीरो सामने रखा जाता है। जैसे साउथ ने अभी दो फिल्में रिलीज की जिसमें विलेन को भी हीरो बनाकर सामने रखा गया। भले ही वो हीरो गैंगस्टर था और सामाजिक दृष्टि से वो गलत था, लेकिन उसे स्क्रीन पर ऐसे रखा गया ताकि लोग उसे हीरो समझे। और ये दोनों ही फिल्में KGF फ्रेंचाइज और पुष्पा थी, जिनमें इन रोल्स के लिए ऐसे हीरो को चुना गया जो लोगों को पहले से ही काफी पसंद थे और लोग उन्हें हीरो के अलावा और किसी रूप में देख ही नहीं सकते। फिल्म में जो रियल हीरो एक्चुअली में प्ले कर रहा होता है, वो कैरेक्टर्स के चलते विलेन बन जाता है। असल में बात ना हमारी सोच और राइटर की कहानी की है, वो कैसे कैरेक्टर्स को अपनी ऑडियंस के लिए डेवलप कर रहा है। अगर बात KGF की करे तो इसमें सरकार और रमिका सेन एज हीरो प्ले कर रही थी और रॉकी और अधीरा दोनों ही विलेन थे, पर हमने और आपने सिर्फ अधीरा को विलेन की कैटेगरी में रखा। क्यों, सही बात है ना, जबकि काम तो दोनों एक ही कर रहे थे ना, स्मगलिंग। लेकिन यहाँ फर्क आया फिर उस राइटर का, जिसने इसकी कहानी लिखी, जिसने रॉकी को लोगों का हीरो बनाने के लिए इमोशनल टच दिया, रॉकी की कहानी को माँ से जोड़ा, माँ की इमोशनल टच को लोगों से रिलेट किया, रॉकी को गरीबों का मसीहा बनाया, एक सच्चा आशिक भी बनाया,
जिसने एक विलन को हीरो की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। और ये कमाल किसी और का नहीं, उसी राइटर का था जिसने फिल्म की कहानी को लिखा, जो है हमारे प्रशांत मीर। तो फिल्म की कहानी और हीरो विलन ना सिर्फ एक राइटर ही क्रिएट कर सकता है। अगर राइटर हीरो में अच्छी क्वालिटीज इंक्लूड नहीं करता तो हो सकता है हमें रॉकी द मॉन्स्टर नहीं मिलता। KGF 3 की कहानी भी ऐसी ही इमोशनल टच पर लिखी जाएगी जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत मीर कहानी को एक अच्छा मोड़ दे पाएंगे? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। भाई नमस्कार।